नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकपत न्यूज डॉट इन और मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा कुकरेती। तो 48 घंटे बाद 20 साल पुराने काला हिरण मामले में सलमान खान को जोधपुर सेशन कोर्ट से जमानत मिली। सलमान खान को 50,000 रुपए के निजी मुचलके और 25,000 रुपए के 2 सिक्योरिटी बॉन्ड पर जमानत दी है। इस फैसले से देश भर में सलमान खान के फैंस जश्न मना रहे हैं। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ चुकी है क्योंकि 2 दिन से लगातार फैन सलमान खान के लिए प्रार्थना कर रहे थे, गुहार लगा रहे थे उनकी जमानत की। आपको बता दें कि 2 दिन तक सलमान खान जोधपुर सेंट्रल जेल में कैद थे। सलमान खान अब कोर्ट की इजाजत के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते, साथ ही 7 मई को एक बार फिर से उनको कोर्ट में हाजिर होना होगा। वहीं जोधपुर सेशन कोर्ट के इस फैसले से नाखुश होकर बिश्नोई समाज हाईकोर्ट का रुख कर सकता है। 5 अप्रैल को जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले में अन्य आरोपी सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। ऐसे में बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान की रिहाई से बॉलीवुड को बड़ी राहत मिली है क्योंकि 1,000 करोड़ रुपए सलमान खान पर लगे हुए थे।